राजपुर पुलिस ने एक ट्रक में 30 नकपाड़े तथा एक लोहे का फलिया दो आरोपियों से अवैध रूप से परिवहन करते हुए किया जब्त। विभिन्न धाराओं में राजपुर थाने में मामला किया पंजीबद्ध। बड़वानी पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने सभी थाना प्रभारियों को अवैध गतियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया है, जिस पर राजपुर टीआई राजेश यादव ने बड़वानी पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन पर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरडी प्रजापति और राजपुर एसडीओ पदम सिंह बगल के मार्गदर्शन में अवैध पशु परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करते हेतु टीम गठित की गई थी, जिसमें मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर टीम को रवाना किया गया, जिसमें अशोक लीलैंड इकोमेट मिनी ट्रक क्रमांक MH18BJ6515 में अवैध रूप से पशु भरकर जुलवानिया राजपुर होते हुए महाराष्ट्र की तरफ ले जाया जा रहा था, जिसे हाथी गेट के सामने वाहन चेकिंग कर प्रारंभ किया। थोड़ी देर में मिनी ट्रक क्रमांक MH18BJ6515 जुलवानिया की तरफ से आता दिखा, जिसे रोक कर चेक करते हुए उसमें ड्राइवर एवं अन्य एक व्यक्ति बैठा हुआ था। ड्राइवर से नाम पता पूछने पर उसने उसका नाम आजाद पिता आबिद खान उम्र 39 वर्ष निवासी खड़कवानी मस्जिद के पास थाना बलकवाड़ा जिला खरगोन। दूसरा व्यक्ति का नाम पूछने पर शाहरुख पिता काले खा जाते मुसलमान उम्र 25 वर्ष निवासी खुड़कियावानी थाना बलकवाड़ा जिला खरगोन का होना बताया। जब वाहन की चेकिंग की गई उसके अंदर कुर्ता पूर्वक ठूस ठूस कर रस्सियों से बंधे हुए 30 नकपाड़े पाए गए। ड्राइवर ने पाड़ों का परिवहन कर परमिट संबंधित पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि पाड़े भोपाल से खरीद कर मालेगांव महाराष्ट्र वध हेतु बेचने ले जाना बताया तथा वाहन चेक करते समय ड्राइवर की सीट के नीचे एक लोहे का फलिया मिला। उक्त आरोपीगण का कृत्य 11 घ पशु क्रूरता अधिनियम मध्य प्रदेश पशु रक्षण अधिनियम की धारा 6(6)(1)(25)(वी) आम्स एक्ट का दंड नहीं पाए जाने से आरोपी ड्राइवर से ट्रक क्रमांक MH18BJ6515 कागजात की कीमत 10,30,000 नकपाड़े काले रंग का प्रत्येक पाड़ा 5,000 रुपये कुल मशरूकात कीमत 11,55,300 रुपये मौके से जब्त किया गया। गाड़ी पकड़ी गई। ये एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला सर के स्पष्ट निर्देश है कि जो भी अवैध पशु परिवहन होता है उस पर कार्रवाई की जाए। जो उनके निर्देश के पालन में टीम बनाई गई थी, टीम में आरक्षक पंकज और गुनीराम और एसआई कमल मीरा, एसआई गोयल, इन्होंने मिलकर जब पूरी मुखबिर सूचना के आधार पर लगातार काम किया और सूचना के आधार पर रात को एक आयसर गाड़ी पकड़ी है। उस आयसर गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसमें करीब 30 भैंस भरी हुई थी और उसमें जो चालक था और परिचालक था उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम आजाद खान और शाहरुख खान निवासी खड़कवानी बलापोड़ा क्षेत्र का बताया और उस संबंध में पशु कहाँ से लाए थे, कहाँ ले जा रहे थे, तो उसमें पूरी जानकारी में मालेगांव बताना कि मालेगांव इसको जो है कटने के लिए ले जाया जा रहा था। उस सूचना पर तत्काल पुलिस ने पूरी इनसे जो पशु थे उनको जब्त कर लिया, एक वाहन भी जब्त किए हैं और इसमें तलाशी में एक आलिया भी मिला था जिसमें 25 आम सटीक कार्रवाई हुई और पूरा प्रकरण इसमें पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, मध्य प्रदेश पशु परिरक्षण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत उसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और दो आरोपी जो है पुलिस कस्टडी में है, इसमें इन अनुसंधान जारी है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।